महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धा इस धम्मा की एक सीरीज चल रही है ऐसे न्यूज पर, तो आज जो हम आज का जो हमारा विषय है वो है दूसरे खंड के छठे भाग को आज हम आरंभ करेंगे कि निम्न स्तर के लोगों की पवज्जा बुद्ध के द्वारा। तो आज हम उपाली की पवज्जा के बारे में बात करेंगे, उपाली नाय की पवज्जा। तो ये जो भाग है ये हमारा चौथे खंड का है, क्योंकि इसमें जब अनिरुद्ध, भद्य, भृगु, आनंद, किम्बिल और देवदत्त के साथ साथ जब वो पवज्जा लेने जा रहे थे तो उनके साथ साथ उपाली नाई भी जा रहा था, लेकिन उन छयों के छयों जो शाक्य कुल के पुत्र थे उन्होंने अपने गहने उतारकर उपाली नाई को दे दिए थे और उसको कपिल वस्तु लौटने के लिए कहा था, जिसको उपाली ने पूरा भी किया कि वो गहने लेकर वापस जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसको ख्याल आया कि अगर मैं इन गहनों को लेकर कपिल वस्तु जाऊंगा तो जो शाक्य का जो स्वभाव है बड़ा प्रचंड है और वो ये सोचेंगे कि उन्होंने इस नाई ने कुल पुत्रों की हत्या करके उनके गहनों को लूट कर ये भाग आया है। तो उसके मन में ये विचार आ रहे थे, वो विचार इतने भारी हुए कि उसने फिर ये प्रण किया कि वो कपिल वस्तु वापस नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने वो जो सारे गहने थे उन सबको, उनकी जो गठरी थी उसको एक पेड़ पर लटका दिया और पेड़ पर लटका के उसमें एक नोट लिख दिया कि जिसको भी ये गहने मिले वो उपहार समझ कर इसको अपना घर ले जाए, ऐसा उसने लिख दिया। और उसके बाद वो उन्हीं कुल पुत्रों के पीछे पीछे, वो जो छह थे उनके पीछे पीछे चला गया। और जब वो उनके पास पहुंच गया तो उन कुल पुत्रों ने कहा कि हे अच्छे उपाली, तुम वापस क्यों आ गए? तो उपाली नाई ने अपने मन की बात बताई तो वो जो कुल पुत्र थे वो कहने लगे कि हे अच्छी उपाली, तूने अच्छा किया कि तुम जो है लौट आए, क्योंकि वास्तव में ही जो शाक्यों का जो स्वभाव है वो सच में ही प्रचंड है, तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम जो है लौट आए। तो फिर वो उस उपाली नाई को लेकर वो तथागत बुद्ध के पास जाने लगे। तो वो तथागत बुद्ध के पास पहुंच गए, राजगृह पहुंच गए जहां पर तथागत बुद्ध विराजमान थे। तो तथागत बुद्ध के पास जाकर उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया और एक जगह पर जाकर बैठ गए। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि जो उन्होंने बोला कि हमसे पहले तथागत बुद्ध को उन्होंने कहा, याचना की, उनको वंदन किया और उन्होंने कहा उन छयों के छयों शाक्यों के कुल पुत्रों ने कहा कि हमसे पहले आप जो है उपाली को दीक्षित कर दीजिए या उनको पवज्जित कर दीजिए, क्योंकि ये वर्षों से हम लोगों की सेवा करता आ रहा है। तो जब ये हमसे पहले मतलब ये पवज्जित हो जाएंगे तो हम इनको वरिष्ठ मानकर इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमसे पहले भिक्खु बन जाएंगे तो हम इनको वंदन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है, और फिर इससे हमारा जो अहंकार है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी शांति में बदल जाएगा। तो हे तथागत बुद्ध, आप हमसे पहले जो है उपाली को पवज्जित कर दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने उनकी याचना को स्वीकार किया और उपाली नाई को जो है पवज्जित कर दिया। तो वो अब उनके वरिष्ठ, मतलब उनसे पहले वो भिक्खु बन गए थे।
तो इस तरीके से उपाली की धम्म दीक्षा हुई। इसी पुनीत मेहतर की पवज्जा, तो राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई करने वाला रहता था, और जो ग्रस्त थे वो सड़कों पे जो कूड़ा फेंकते थे उसी उस सड़कों पे कूड़े को साफ करता था और अपनी जीविका चलाता था। यही हीन जो काम था या निम्न स्तर का उसको माना जाता था और वो यही काम अपनी जीविका के लिए करता था। तो एक दिन आरंभिक बेला में जो है तथागत बुद्ध उठे और वो अपने भिक्षु संघ के साथ जो है भिक्षाटन के लिए जाने लगे। तो उसके बाद वो जब भिक्षाटन के लिए वो जा रहे थे तो जो सुनीत था वो सफाई कर रहा था, तो वो सारे कूड़े के ढेर को अपनी गाड़ी में डालने ही वाला था कि उसने दूर से आते हुए भिक्षु संघ को और तथागत बुद्ध को आते हुए देखा। उसने जल्दी जल्दी से अपने कूड़े की जो गाड़ी थी उसको एक दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया था। वो छुपना चाहता था क्योंकि वो उनके सामने नहीं आ सकता था, लेकिन वहां कोई छुपने की जगह नहीं थी, इसीलिए वो बिल्कुल एकदम दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। और जैसे ही तथागत बुद्ध आए तो उसने बड़े प्यार से तथागत बुद्ध को वंदन किया, नमन किया। तो तथागत बुद्ध ने उसका वंदन जो है स्वीकार किया और वो उसके पास आए और पास आकर बोले कि क्या तुम जो है वो मेरे मतलब धम्म में पवज्जित होगे या मेरे धम्म में आओगे तो या मेरे संघ में आओगे, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि तथागत बुद्ध ने उसको छू कैसे लिया। वो खुशी के मारे मतलब उसके अंदर से इतनी करुणा भाव निकल रहे थे कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आज तक उसको जिसने नहीं छुआ, आज तथागत बुद्ध ने उसको छू कर और उसको कहा कि क्या तुम मेरे संघ में आओगे। तो उसने कहा कि हे तथागत, जहां आप होंगे मैं वहां क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा। अगर आप मुझे अपने धम्म में या अपने संघ में शामिल करने की कृपा करें, ऐसा सुनीत ने कहा। तो सुनीत को जो है तथागत बुद्ध ने पहले से ही संबोधित करके कहा कि आप ही को आ। अब इतनी करुणा वाली, ऐसा लग रहा था कि जैसे करुणा की सुनीत के ऊपर वर्षा हो रही है, क्योंकि सुनीत को इससे पहले कभी इतनी करुणा से या कभी किसी ने नहीं छुआ था। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो रहा था कि आज उसके ऊपर करुणा की वर्षा हुई है और वो तथागत बुद्ध के पास आने लगा। अब तथागत बुद्ध उसको लेकर विहार में गए और विहार में जाकर उन्होंने उसको सुनीत को पवज्जित किया और उसको धम्म की शिक्षा दी, दीक्षा दी। तो वो तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर बहुत ही गहनता से पालन करने लगा, उनके मार्ग को पालन करने लगा और वो बहुत बड़ा जो है वो हो गया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने उसको दीक्षित किया। तो जब सुनीत दीक्षित हो गया तो उसने कहा कि वो क्योंकि बहुत महान भिक्षु बन चुका था, और जब वो महान भिक्षु बन गया तो तथागत बुद्ध से लोगों ने पूछा कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया। तो तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस तरीके से कूड़े के ढेर पर जो है एक सुगंधित कमलिनी उत्पन्न हो जाती है, उसी तरीके से बुद्धिमान लोगों के या अविद्या या अंधकार से दूर होकर जो है लोग बुद्ध के पुत्र या उनके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। बुद्ध का जो पुत्र है वो प्रकाशित हो जाता है, उसी तरीके से अविद्या को और अंधकार में जीवन को छोड़कर सुनीत जो है बहुत महान भिक्षु बना। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने उपाली नाई को और सुनीत की
पवज्जा जो कि सफाई कर्मचारी था उनको पवज्जित किया और वो एक महान भिक्कू बने। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय सब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।